नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएम चर्चा के अंदर। तो चलिए, जो आज के सवालों का सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है, गूगल एड्स में लीड्स आ रही है बट कन्वर्जन नहीं हो रहा, क्या करूं? देखो, गूगल लीड्स जो आ रही हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण हो सकता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है जहां पर आप ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करके लेके आ रहे हो, तो उसका जो है कंटेंट जो है उसमें कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, उसके डिज़ाइन एंड लेआउट्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि आपने जब गूगल की एड का कैंपेन जो सेट किया, उसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो आपने जो है वो सही नहीं इस्तेमाल करी, या फिर जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसी टारगेट ऑडियंस को आपने जो है वहाँ पे सेट कर लिया है जिनका वो बजट नहीं है आपकी सर्विसेज जो, या फिर आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेस करने के लिए। तो ऐसे में आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा ट्राई करके देखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपने इतना ही लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप गूगल ऐड के अंदर जो कीवर्ड्स या जो भी आपने टारगेट ऑडियंस इंटरेस्ट बेस लिया है तो उसको चेंज करके देखो, राइट, उसको थोड़े से हायर में लेके जाके देखो। अगर वीडियो लगा के रखा है तो थोड़ा सा कुछ आप जो है उसको डिस्प्ले ऐड वगैरह में कन्वर्ट करके देखो, इमेजेस का इस्तेमाल करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। हो सकता है कि अगर वीडियो एड्स आप रन कर रहे हैं तो जनरली आज सब लोग मैक्सिमम जो है वीडियो ऐड कर रहे जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पे वीडियो ऐड के अंदर जो कंटेंट बोला गया है उसको चेंज करके देखो। तो ये कुछ तीन चार ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लीड्स जो है वो आपके लैंडिंग पेज तक आएंगी लेकिन उसके बाद में कन्वर्जन जो है वो नहीं हो पा रहा होगा। जी राइट सर। सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, वेयर शुड आई अप्लाई फॉर जॉब? डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आज की डेट में रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई डोंट नो कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं अगर यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन के हिसाब से आपको बोलूँ कि अगर आप आउट स्टेशन में प्रेफर करते हैं तो आप किसी बड़े जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें आप जा सकते हैं, जिसमें दिल्ली आपका एक काफ़ी अच्छा है, देन बैंगलोर हो गया, देन हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, राइट। तो ऐसी बड़ी जो सिटीज हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। या फिर अगर आप कोई प्रिफर नहीं कर रहे हैं कहीं दूसरे सिटी में जाना, तो आज की डेट में तो डिजिटल मार्केटिंग हर जगह पे रिक्वायरमेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी सिटी है वहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप जो है अपनी ही सिटी में जो है थोड़े से क्लाइंट्स को एज अ फ्रीलांसर जो है अप्रोच कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो ऑलरेडी कर रहा है फ्रीलांसर कर रहा है, अगर कोई कंपनी नहीं है, एजेंसी नहीं है, तो आप फ्रीलांसर वगैरह होंगे, आप उनके साथ में जो है काम कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है और आपको सिर्फ जॉब ही करनी है, तो ऐसे कई सारे और ऑनलाइन फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम का जो है काम देती हैं, आप उनके साथ में जो है एसोसिएट हो सकते हैं। जी सर, थर्ड क्वेश्चन है, क्या डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर है क्योंकि AI इज आल्सो देयर नाउ? देखो, AI जो है, मैं पहले भी आई थिंक ये इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। AI जो है वो सिर्फ आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग वाली फील्ड को इफेक्ट नहीं कर रही है, AI जो है वो हर फील्ड के अंदर अवेलेबल है, चाहे वो नेटवर्किंग है या फिर ऑटोमेशन वगैरह है, हर जगह पे AI जो है वो आपका इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन AI जो है वो अभी इस पोजीशन पे नहीं है, या फिर AI जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 100% जो है वो AI के ऊपर में रिलायबिलिटी है वो नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आपके फ्यूचर की जहां तक बात है, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर कोई दूसरी कोई भी डोमेन हो, हर जगह पे जो है इंसानों की जरूरत है, क्योंकि AI सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम है जो जितना उसको बताया गया है वह उतना ही उसके ऊपर में अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब का, पहले यहाँ पे बहुत सारे कॉपीराइट्स के लिए जो है पहले मैनुअल जो है इंटरवेंशन किया जाता था, लेकिन अभी स्लोली ग्रेजुअली AI के ऊपर उसको शिफ्ट किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर से आप बात करके देखिए,
वहां पर जो है बहुत सारे YouTube की वीडियोस ऐसी हो जाती हैं जिसके बीच में कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइन या कोई अदर गाइडलाइन को जो है कोई भी हार्म नहीं होता है उस वीडियो से। बट कई बार क्या होता है कि यूट्यूबर जो है वो चाहता है कि उसका कंटेंट जो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच सके, तो ऐसे में वो कुछ ऐसे टाइटल या ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेता है जिसके चलते एआई है, अब उसको एक प्रोग्राम एक कंडीशन बताई गई है तो वो उसको डिटेक्ट करके जो है उस चीज के ऊपर में उसको जो है वार्निंग्स वगैरह या स्ट्राइक्स वगैरह जो है वो एप्लीकेबल कर देता है। लेकिन बहुत सारी जगह ये भी देखा गया है, मेरे चैनल पे कई बार ऐसा देखा गया है, फिर खुद ही जो है उसको जो है हम जब अपील करते हैं तो डेफिनेटली जो गूगल की टीम है वो उस अपील को मैनुअली जब चेक करती है कि फिर देखते हैं कि ओके यहाँ पे कोई ऐसी गाइडलाइन जो है वो नहीं यहाँ पे ब्रीच करी गई, तो ऐसे में जो है वापस से सॉरी बोल के जो है वो वीडियोज या जो भी आपका कॉन्टेंट है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एआई जो है अभी इतना रिलायबल नहीं है कि 100% उसके ऊपर रिलाई किया जाए, और आने वाला फ्यूचर की बात करें तो अभी 20-25 साल तो आप भूल जाओ, 20-25 साल के बाद में डेफिनेटली एआई जो है काफी हद तक काम करेगा लेकिन स्टिल इंसानों की जरूरत पड़ेगी। सर अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या वर्डप्रेस में पेड थीम ही यूज करनी चाहिए या खुद को डिजाइन करना चाहिए? वर्डप्रेस में पेड थीम और खुद की डिजाइन करने की जहां तक बात है तो मैं दोनों को ही प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके पास में बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है और आपको उसको इम्प्लीमेंट करके देना है और ऐसे में आप एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो आप जो है अगर खुद डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ऐसे में कोई भी आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी सर्विस या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसको जो आपकी पेड थीम्स है उसके अंदर अवेलेबल ना हो, तो आप ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे क्लाइंट की प्रेफरेंस ज्यादा है या फिर क्लाइंट्स के काफी सारे ऑप्शंस हैं वहां पे आपको डेवलप करने में टाइम लग रहा है लेकिन क्लाइंट को थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो आप पेड वाले पे जा सकते हैं और उसमें कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह जो है वो करके आप दे सकते हैं एज पर दी क्लाइंट नीड। और जहां तक बात है खुद की थीम अपडेट करने की, अगर आपके पास में टीम है और आप जो भी क्लाइंट को ड्यूरेशन दे रहे हैं लाइक 5 days 10 days 15 days 1 month 2 month व्हाटएवर इट इज, तो आप अगर उतने समय के अंदर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप जो है पेड थीम पे ना जाकर आप अपना भी जो खुद का जो डिजाइनिंग है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो मेरे हिसाब से जो है आपकी सिचुएशन बेस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा क्या करना चाहते हैं। जी ओके, सो गाइज आई होप कि आज जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछे थे उनके क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको कर दिए हैं, और एक और रिक्वेस्ट आई हुई है कि जो हम मैंने पिन कोड की जो वेबसाइट बनाई थी उसके जो थीम है यार वो मैं आपको बना के दे दूं, तो वो ऑलरेडी मेरे पास रेडी टू यूज अवेलेबल है, तो डेफिनेटली उसको मैं आपको जो है एक और वीडियो बना के देने वाला हूँ जिसमें आपको जो है वो सारी जो पिन कोड्स हैं बस वो आपको डेटाबेस में डलवाने होंगे और बाकी सब रेडी रहेगा, राइट। और ये भी एक क्वेश्चन बीच में आई थिंक मिस कर गया था मैं, कहीं आपका इंक्लूड करना तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये हमारी जो सीरीज है डिजिटल मंजीत के ऊपर में आपको पसंद आ रही होगी, अगर आपका भी कोई सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपना डिटेल में आपका जो भी क्वेश्चन है डाउट्स है वो आप लिख सकते हैं, और जो भी आने वाला हमारा जो है डीएम चर्चा होगी उसके अंदर जो है हम इसको एड्रेस करेंगे, आज के इस पूरे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी है। फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ नए टाइटल के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंटी ने, हां वो बात अभी पूछ ले और कब पूछ ले, चलो 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 इधर आ जाओ बैठ जाओ।